दोस्तों एक कस्टमर हमारे साथ और जुड़ चुके हैं जिनकी परचेसिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो उनसे जुड़कर जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस जो है अजमेरा फसल में कैसा रहा है। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम सबसे पहले तो मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम कविता हाजरा है। कविता जी आप कहाँ से आए? मैं वेस्ट बंगाल की कलकत्ता से आई हूँ। अच्छा जी, तो कविता जी जैसे कि आप यहाँ पर आए हैं खरीदी करने के लिए, अपना बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, बट मैं जानना चाहती हूँ आपकी जर्नी के बारे में। आप बिजनेस करने से पहले क्या करती थी? मैं वर्किंग वुमन हूँ, मतलब मैं जॉब करती थी जी पहले, अभी भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे जॉब बहुत जल्दी मुझे छोड़ना है जी। मैं इसीलिए मैं अभी जॉब छोड़ के मैं बिजनेस के लिए। आपको कहाँ से आइडिया लगा कि आपको बिजनेस करना चाहिए? एक्चुअली देखिए, हम लोग ऑनलाइन में देखते हैं कि सारे जो महिला है जो बाहर काम नहीं कर सकती है जी, तो वो लोग वो यूट्यूब तो फेसबुक में ये सब ऑनलाइन परचेज सेलिंग करते हैं जी। तो मैं सोच रही हूँ ऑनलाइन का कर सकती हूँ तो करूंगी, नहीं तो मैं ओपन शॉप ही ओपन करना चाहती हूँ। अच्छा जी, और अजमेरा फैशन आपको कैसे पता चला मैम कि अजमेरा फैशन जो है इन सारे यूट्यूब में डील? यूट्यूब मैंने आपको बोला, यूट्यूब सारे यूट्यूब से ही देखती है अजमेरा फैशन। ये मेरा नहीं है, मैं तो मैंने मेरे हस्बैंड को मैंने बोला था कि मैं ऐसा ऐसा एक बिजनेस स्टार्टिंग करना चाहती हूँ, तो कहाँ से क्या प्रोडक्ट कितना में सस्ता मिलेगा, कैसा लो प्राइस में मिलेगा, तो मेरे हस्बैंड ही ये अजमेरा फैशन का मुझे दिखाया। अच्छा, तो वहां से मैं बंगाल से मैं सूरत आके आप लोग सभी जी। तो मैम अजमेरा फैशन आने से पहले कहीं और विजिट किए होंगे? नहीं, डायरेक्ट यही आए हैं। अच्छा, मैं दो महीने से लगातार मेरे हस्बैंड को बोल रही थी, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने सारा कुछ देख उख के फिर पर्टिकुलर यहाँ पर आप विजिट किए। मैम आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, ऐसा कोई तकलीफ नहीं। और अगर पूछूं सूरत कैसा लगा आपको? तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बढ़िया जगह है। अच्छा जी, सब कुछ यहाँ सेफ है, बहुत कुछ ही सेफ है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। और अजमेरा फैशन जैसे कि आप सुने उनका नाम या फिर आपको ऐसा लगा कि पता नहीं कैसी कंपनी, अगर आप एक्चुअल में यहाँ पर विजिट किए तो आपको कंपनी कैसी लगी अगर मैं पूछूं तो? सबसे बड़ी बात है मतलब यहाँ का हर जो आप लोग है, हर पर्सन हर ऑफिस में, जैसे कि एक बोलते हैं ना कि कम्युनिकेशन सबका बहुत बढ़िया है, एक एक चीज ध्यान से देख दिखना बोलना, सबको सही से बात विचार, सबका सब कुछ सही है। अच्छा जी, और अगर मैं पूछूं मैम कि यहाँ पर इतने सारे कलेक्शंस आपने देखे, सबसे बेस्ट कलेक्शंस आपको क्या लगा? देखिए बेस्ट कलेक्शन तो सभी लगा जी, अपने अपने प्राइस के ऊपर जो जो कलेक्शन देखे हैं सब कलेक्शन सही है। लहंगा का कलेक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत सुंदर है जी। सारा कलेक्शन ही ठीक है, ऐसा कोई कलेक्शन नहीं है कि ठीक नहीं है। अच्छा जी, और हमारे साथ जैसे कि आपके साथ जो भी सेल्स पर्सन थे, जो मैम थे रानी मैम, उनका बिहेवियर वगैरह कैसा, उन्होंने किस तरह से कलेक्शन दिखाया? मतलब उनका मतलब ये पर्सनैलिटी इतना सुंदर है कि कोई भी कस्टमर को पता ही नहीं चल रहा है कि वो फर्स्ट टाइम आई हैं जी। ऐसा लग रहा है कि बहुत सालों से उनसे उनके साथ पहचान है जी। मतलब घर के कोई इंसान आके मतलब आदमी आया है परचेस कर रहा है, ऐसे उनका मतलब फ्रेंडली एकदम जो कम्युनिकेशन है फ्रेंडली है। आपको उन्होंने बिजनेस के कुछ आइडियाज दे कि किस तरह से सारी चीजें करनी है? जैसे जैसे वो लोग प्रोडक्ट दिखा रहे हैं वैसे वैसे बोल भी दे रहे हैं कि ये मार्केट प्राइस आपका कितना होगा, कितना कर सकते हैं आप जी। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा? हाँ। ऐसे भी मुझे नॉलेज है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शॉपिंग करती हूँ जी, मुझे ये सब का नॉलेज है। ओके मैम, और मैम अगर आपके कोलकाता में, आप कोलकाता से आए हो, आपके कोलकाता में किसी को बिजनेस करना हो और कोई अगर आपसे सजेशन मांगता है, मैं डेफिनेटली ये सजेशन दूंगी कि आपको बोलना नहीं है। अच्छा, डेफिनेटली सजेशन दूंगी कि एक बार जाओ सूरत जाके, अजमेरा फैशन में जाके थोड़ा सा। थैंक यू सो मच मैम, इतना जेन्युइन रिव्यू आपने हमारे व्यूअर्स को दिया, उसके लिए धन्यवाद।